हाई, वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी लारा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लौटे हैं एक नई वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी एंड आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लाने वाली है ये वीडियो। एंड आपको चाहिए एक बाउल सिंपल सा, आप कोई सा भी अपने घर में नॉर्मल कटोरी आप ले लें। एंड आज आपको ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो आपके स्किन के महीन महीन से जो पिंपल्स हमारी स्किन पे हो जाते हैं, रिड्यूस करने के लिए एंड हाई पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ फेशियल कैप्सूल जो हमारी स्किन को लाइटन करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं एंड बताने वाले हैं आपको सारे इसको इस वीडियो में। तो वीडियो फुल वॉच कीजिए एंड लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम यहाँ पर ले लिया है एक बाउल एंड इसमें हल्दी आपकी स्किन को एक्सप्लेट करती है एंड स्किन को लाइट अप बनाने में एक्नी पिंपल्स के जो निशान एंड एक्नी मार्क्स वगैरह के निशान जो होते हैं उनको रिड्यूस करने में मदद करती है। एंड ग्लिसरीन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्किन, यानी कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपकी स्किन को स्मूथ बनाती है एंड आपकी पिम्पल्स को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करती है। तो हम यहाँ पे दूसरा इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, हाफ टी स्पून ग्लिसरीन हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ग्लिसरीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन। एंड जो थर्ड हम ले रहे हैं वो एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल यानी कि पिंपल्स के लिए बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपके पिंपल्स को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि एक्नी पिंपल्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। अपनी स्किन को स्मूथ एंड नेचुरल बनाने के लिए एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है। तो एलोवेरा जेल का यूज़ आप वैसे भी कर सकते हैं, मसाज में कर सकते हैं, अपनी स्किन को स्मूथ बना सकते हैं एंड पिम्पल फ्री भी बना सकते हैं। पे हाफ टी स्पून हमने एलोवेरा जेल लिया है। एंड जो फोर्थ है वो हम कैप्सूल लेने वाले हैं। ये हमारी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, यानी कि मदद करेगा। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं ये फेशियल कैप्सूल। एंड आपको एक ऐसा भी प्रोडक्ट बताएंगे, अगर आपके पास फेशियल कैप्सूल नहीं होता तो आप कौन सा कैप्सूल डाल सकते हैं तो वो भी बता देंगे आपको। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया फेशियल कैप्सूल। फेशियल कैप्सूल आपकी स्किन को इतना अच्छा बना देता है, इतना फेयर एंड ग्लोइंग एंड लाइटन करता है आपकी स्किन को। आप अगर वीक में दो बार भी यूज़ करते हैं फेशियल कैप्सूल का, तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लें। एंड ये रेडी हो गया है हमारा ये पैक। एंड आपको बताएंगे कि आपको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है और कैसे लगाना है, सारा ही बताएंगे। तो अच्छे से वॉच कीजिए, वरना स्किप ना कीजिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो फोर्थ हम लेने वाले हैं वो विटामिन ई कैप्सूल है जो यूवियन 400 है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये सूट नहीं करता है तो आप फेशियल कैप्सूल ही यूज़ करें, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं आपको आप। एंड अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं अपनी इस रेमेडी में ताकि ये हमको अच्छा सा रिजल्ट दे वन नाइट में ही। ओवर नाइट में ही आपको बिल्कुल ही चमककारी ये जो पैक है लगाना है। आपकी स्किन के इतनी फास्ट रिजल्ट हैं इसके कि आपकी स्किन के जितने भी पिंपल्स प्रॉब्लम है वो गॉन होगी होगी एंड आपकी स्किन को भी लाइट अप बनाने का भी काम करेगा ये। आपकी स्किन दिन ब दिन निखरती जाएगी। अगर आप इसको वीक में 2 से 3 बार इसको यूज़ कर लेते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है, हाइड्रेशन मिलती है हमारी स्किन को ग्लो। चलो मैं आपको यूज़ करके बता देती हूँ। तो आप कोई भी ब्रश ले लीजिए एंड उससे अपनी स्किन में लगा लीजिए अच्छे से। मैं आपको लगाने का तरीका बता रही हूँ कि इसको कैसे लगाना है। तो यहाँ पे अच्छे से पूरे हैंड पे मैं लगा लूँगी। आप कभी भी कोई फेस पे कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं कि कोई भी रेमेडी या फेस पैक कोई भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपने हैंड से अप्लाई ना करें, इस्तेमाल करें ताकि स्किन को काफ़ी केमिकल रहित हाथों में डर्ट होता है इसकी वजह से।
जा रही ताकि ये जो पैक है हमारी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो इसीलिए ये मसाज का जो स्टेप दिया गया है। एंड आपके वन नाइट में इतने अच्छे से पिंपल रिड्यूस होंगे कि आपका स्किन इतना अच्छा बेदाग निखरा हो जाएगा कि आपका चेहरा ऐसा रहेगा कभी पिंपल थे ही नहीं आपके स्किन में। कितने भी पुराने से पुराने पिंपल प्रॉब्लम एंड पिगमेंटेशन प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करेगा। वीक में 2 से 3 बार इसको ज़रूर यूज़ करें एंड नाइट में इसको यूज़ करें। तो मैंने इसको वॉश कर लिया है और इसको मैंने वॉश किया है, आप वॉश नहीं करें। और